एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा एक्शन है। विजिलेंस विभाग ने वरिष्ठ कांग्रेस लीडर और पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पंजाब का दौरा करने वाले हैं और उनके दौरे से ठीक पहले ये कड़ा एक्शन पंजाब सरकार ने लिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गुरप्रीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, तो पंजाब सरकार का एक बड़ा एक्शन है करप्शन के खिलाफ, उन्होंने जो वादा किया था उसी के हिसाब से चाहे उनकी सरकार के मंत्री हो या पूर्व मंत्री हो, पूर्व नेता हो, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आज सुबह 3 बजे जो फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर थे साधु सिंह धर्मसोत, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो एलिगेशन अभी तक बाहर आए हैं, सूत्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं एक DFO जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मोहाली का है, उसको अरेस्ट किया था 2-3 दिन पहले करप्शन के केसेस में, उन्होंने खुलासे किए हैं। और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट किया था, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये बताया कि जब भी कोई दरख्त काटना होता था, जब भी कोई किसी की दरख्त की काटनी होती थी, तो उस टाइम भी कमीशन लिया जाता था फॉरेस्ट मिनिस्टर द्वारा, और जब नए दरख्त लगाने होते थे तो उस समय भी कमीशन दिया जाता था। इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है जो साधु सिंह धर्मसोत, इनके खिलाफ बड़े संगीन एलिगेशन थे। को जो शेड्यूल कास्ट जो स्टूडेंट थे उनकी स्कॉलरशिप में भी स्कैम हुआ था, उस बात को भी लेके पहले अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट में तहकीकात होती है, और उस तहकीकात में कहीं ना कहीं IAS अफसर की जो इंक्वायरी होती है उसमें निक्ट पाया जाता है, लेकिन बाद में क्लीन किट दी जाती है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। तो ये सभी बातों को लगातार आम आदमी पार्टी वॉच रही थी, लेकिन आज जो गिरफ्तारी हुई है वो ये सुनने में आ रहा है कि जो DFO है उनकी स्टेटमेंट के बाद, उसकी वेरिफिकेशन के बाद, जो मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत सिंह मान है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया और सुबह जल्द 3 बजे के करीब विजिटर्स डिपार्टमेंट ने उनके घर पे रेड किया और गिरफ्तारी कर ली। जी बिल्कुल, एक बड़ी गिरफ्तारी कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इन पर आरोप है भ्रष्टाचार का, फॉरेस्ट मिनिस्टर पंजाब के रहते हुए कि कमीशन लिया जाता था पेड़ों की कटाई को लेकर भी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।